सभी एनडीए के साथीगण और खास करके जो नवनिर्वाचित हमारे सांसदगण आए हैं, उन सबों को हम अपने दिल के गहराइयों से बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, बहुत बहुत सुंदर भविष्य की कामना करते हैं। बहुत लंबी कोई बात नहीं कहनी है, सभी साथियों ने अपनी अपनी बात कही। मैं, मेरी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी को नाम का समर्थन करता हूं। और एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं, हम उस वंश के लोग हैं जो 24 वर्ष, 24 वर्ष लगातार छेनी हथौड़ा लेकर के पर्वत को काटा, दशरथ पर्वत पुरुष दशरथ मांझी दृढ़ इच्छा के धनी, उसी परिवार के हम हैं। और इसी आधार पर हम आश्वस्त करना चाहते हैं इस सदन को कि हम हर हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ रहेंगे, समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़ों करोड़ देशवासियों के हृदय में बसने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इस मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभव, केंद्रीय कक्ष में मौजूद एनडीए के सहयोगी दलों के सभी सम्माननीय नेतागण, राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्रीगण और हमारे एनडीए परिवार के देश के कोने कोने से जनता का विश्वास प्राप्त करके यहां पर नव निर्वाचित होकर आए सभी माननीय सांसदगणों का मैं अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने हम सब के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है। मैं अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से एनडीए संसदीय दल के नेता के पद पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का पूरे दिल से समर्थन करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ये पूरा एनडीए परिवार मजबूती के साथ आपके पीछे और आपके साथ खड़ा है। आप हमारा नेतृत्व करें, राष्ट्र निर्माण के हर संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी एकजुट होकर पूरी तत्परता से कार्य करेंगे। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहती हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में आपके नेतृत्व में एनडीए की सरकार जो कार्य करेगी, वो कार्य आने वाले समय में पूरे देश को अचंभित करेगा और दुनिया में भारत की उपलब्धियों की चर्चा होगी, भारत की जय जयकार होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।